नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या राय और विक्रम की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में, जो कि पोन्नियिन सेल्वन और रावण जैसी फिल्मों में देखने को मिली है। हाल ही में विक्रम ने एक साक्षात्कार में बताया कि वह ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता साझा करते हैं। उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म रावण में अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों के साथ काम किया था। विक्रम ने कहा, अभिषेक मेरा बहुत करीबी दोस्त है, इसलिए अपने आप ही परिवार भी दोस्त बन जाता है। ऐश्वर्या और मेरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जैसे कि रावण हो या पोन्नियिन सेल्वन। विक्रम ने मजाक में मणिरत्नम से कहा कि उन्हें एक फिल्म में हैप्पी एंडिंग देनी चाहिए ताकि प्रशंसक खुश हो सकें। ऐश्वर्या राय पोन्नियिन सेल्वन 2 इंच के बाद से किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं, जबकि विक्रम हाल ही में तमिल फिल्म थंगालान में नजर आए थे, जिसका हिंदी वर्जन 6 सितंबर को रिलीज होगा। पोन्नियिन सेल्वन 2 के प्रमोशन के दौरान विक्रम ने उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात की और कहा, यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि रावण में हम एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। दोस्तों, ऐश्वर्या और विक्रम की जोड़ी ने हमेशा से ही दर्शकों का दिल जीता है। उनकी फिल्मों में एक अलग ही जादू है जो दर्शकों को बांधे रखता है। चाहे वह रावण में विक्रम का एक तरफा प्यार हो या पोन्नियिन सेल्वन में उनकी गहरी भावनाएं, दोनों ही फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को प्रभावित किया है। विक्रम ने यह भी कहा कि उनके और ऐश्वर्या के बीच की केमिस्ट्री इतनी मजबूत है कि दर्शक चाहते हैं कि वे मिलें। यही कारण है कि वे रावण में वापस जाते हैं, लेकिन फिर से रावण में हम एक साथ नहीं होते हैं और मुझे लगता है कि यह हमारे पक्ष में काम कर रहा है। दोस्तों, आपको ऐश्वर्या और विक्रम की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।